40 फीट का रोड है। अभी हम जा रहे हैं रिंग एवेन्यू बी ब्लॉक, जो कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वहाँ पे प्लॉट लिए हैं और अपनी वीडियो देखते हैं, और उन्होंने वहाँ पे बहुत बार कमेंट किया लेकिन बार बार ध्यान से निकल जाता था, तो इसलिए अभी रिंग एवेन्यू बी ब्लॉक पर चलते हैं और उसके बारे में थोड़ा सा एक बैकग्राउंड वीडियो जो है वो देखते हैं। ये शॉप्स है रिंग एवेन्यू मेन की, ये शॉप भी बना दी है और ये गेट है पीछे की साइड, यहाँ पर रोकते हैं बाइक को, उसके बाद चलते हैं पैदल। ये वाला 160 फीट रोड है जो कि सामने टोल प्लाजा है, जैसा कि आपने रिंग एवेन्यू की वीडियो देखी होगी। तो जिन लोगों ने भी बी ब्लॉक में प्लॉट लिया है उनके लिए जो ये रोड है 160 फीट सेक्टर हो, ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद और जो ग्रोथ देखने को मिलेगी वो इसी रोड की वजह से बी ब्लॉक में देखने को मिलेगी। ये वाला हमने बस स्टैंड बनाया है, यहाँ पे अपनी कॉलोनी का बस स्टैंड होगा, जो भी हल्दीघाटी मार्ग से जो भी साधन चल के आएंगे और यहाँ पे आके वो सभी रुकेंगे और यहाँ पे अपना स्टॉपेज हो गया बस स्टॉप। ये 160 फीट रोड है जो कि हमने हमारे ब्लॉक में बना दिया है और बी ब्लॉक में अभी हम चल रहे हैं। बी ब्लॉक में भी वो सारी सुविधाएं कर दी है हमने, सड़क सीवरेज वगैरह सब कुछ, और आप खुद देख लीजिए अभी चल ही रहे हैं वहाँ पे। तो टंकी दिखाई दे रही है उस जगह पे, वो पार्क है और आपने पार्क की वीडियो रिंग एवेन्यू की वीडियो बहुत सारी देखी है अभी तक। बी ब्लॉक की वीडियो पहली बार यूट्यूब पर हम ही लेके आ रहे हैं, जो कि बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भी की थी और बहुत सारे कमेंट किए थे। ये वाला सीधा जो लाइट दिख रही है आपको वाली, तो उस जगह पे ये रोड जाके मिल रहा है 160 फीट और ये प्रताप नगर हल्दीघाटी मार्ग से आ रहा है सीधा। अभी 2-3 किलोमीटर का रास्ता है जो कि बना हुआ नहीं है, जब ये रोड निकल जाएगा तो आपको मेन सांगानेर जो कि कंजेस्टेड एरिया वहाँ से आने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन कनेक्टिविटी है ये है इस प्रोजेक्ट की, रिंग एवेन्यू की भी और बी ब्लॉक की भी। जो उधर एक काम चल रहा है टंकी का, दोपहर बहुत तेज़ है गर्मी, जो उधर टंकी का काम चल रहा है वो भी हमारी ही टाउनशिप है, वो मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आ रही है वो टाउनशिप। अभी मैं आया मेरे घर पे, लेकिन कुछ ऑफिस से जल्दी तो कोई काम नहीं था, तो एकदम से मुझे याद आया मैंने कि यार बी ब्लॉक के लिए एक वीडियो बनाते हैं और उसका डेवलपमेंट वगैरह दिखाते हैं, क्योंकि फिर वापस शाम होती तो वापस भूल जाता, तो मैंने सोचा अभी याद आया अभी क्या भी बनाते हैं, हो सकता है बाद में मैं भूल जाऊँ। ये वाला 160 फीट रोड है और एक सेकंड कहाँ पर लग गया, ये वाला 160 फीट रोड है और जो ये लाइट दिख रहे हैं खम्बे, ये कॉमर्शियल प्लॉट है 160 फीट रोड पे खुलते हुए। इधर ईस्ट फेसिंग है, इधर साउथ, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, तो हम जयपुर के साउथ में हैं। अगर देखा जाए तो जयपुर खुद ही पूरा की पूरा साउथ में है, अगर आमेर के किले से अगर देखा जाए तो जयपुर की पूरा जयपुर ही साउथ में बसा हुआ है। ये वाला 40 फीट रोड से एंट्री हो गई, ये वाला रोड 40 फीट का है और अब यहाँ से ये पूरे कॉमर्शियल प्लॉट है, तो C1 ये कॉमर्शियल वगैरह प्लॉट है, ये बाउंड्री वॉल छोटी की है अभी, और इस वाले ब्लॉक में अभी तक एक भी घर नहीं बना, लेकिन जो डेवलप और डेवलपमेंट की जो गारंटी लेते हैं वो हमने पूरा कर दिया बिल्कुल मौके पे, आप देख सकते हैं वो भवन निर्माण संबंधित नियम वगैरह लगा दिए, ये बिल्कुल देखो रिंग एवेन्यू ब्लॉक बी प्लॉट 10-15 इस लाइन में है, ये वाले सारे प्लॉट्स हैं, ज़्यादा बड़ी स्कीम नहीं है, 6-7 बीघे की स्कीम है बस, लेकिन क्या है ये स्कीम में बहुत बड़ा रिटर्न मिलेगा जितना रिंग एवेन्यू में नहीं मिलेगा, क्योंकि 160 फीट का ये रोड। दूसरी चीज़ जो उधर जितने भी आपको जंगल सा दिखाई दे रहा है, बबूली बबूली पेड़ दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पे 150 बीघा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया आ रहा है रिको, जैसा सीतापुरा है
वैसा कि वैसा यहाँ पे एक रिको आ रहा है, ये वाला एरिया, तो डबल ग्रोथ देखने को मिलेगी। आज रिंग एवेन्यू में 12950 में प्लॉट है, इसमें 12950 में प्लॉट है। आज रिंग एवेन्यू में रीसेल में कुछ 2 साल पहले 12950 में कटी थी, लेकिन आज 20 प्लस की रेट है रीसेल की। 1 साल पहले हमने घर का मुहूर्त लगाया था, आज 40 से प्लस मकान बन चुके हैं, और ये सिर्फ मकानों की वजह से 20 प्लस पहुंच गई रेट। आज इस जगह पे 12950 है, लेकिन जब ये इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पे डेवलप हो जाएगा, 160 फीट का रोल निकल जाएगा, तब यहाँ की रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये तारबंद भी कर दी है और ये सारी शॉप्स है। एक और ये 60 फीट का रोड है, आपको देखो उधर वो फ्लैट दिख रहे होंगे, थोड़े से दिखेंगे आपको, दिख जाए तो ये वो फ्लैट है। उन फ्लैटों को अनुमति तभी मिलती है जब कोई 100 फीट का सेक्टर रोड उनके पास से गुजर रहा हो। तो ये वाला 60 फीट का है यहाँ पे, लेकिन आगे जाके ये जो फ्लैट है वहाँ से आगे 100 फीट का सेक्टर रोड है जो कि सीधा डिग्गी रोड से आ रहा है। सांगनेर से जो डिग्गी मालपुरा रोड आ रहा है, भीलवाड़ा एक्सप्रेस वे, वहाँ से आ रहा है ये पूरा रोड। इसने जिस लोगों ने या जिन लोगों ने भी इसमें इस ब्लॉक में जिन्होंने प्लॉट लिया है या प्लानिंग कर रखी है या कर चुके हैं, क्योंकि तो एक या दो प्लॉट खाली है यहाँ पे, बस मात्र इसमें 2 प्लॉट खाली है इस वाले ब्लॉक में अभी तक। जब मैं टिल आज जो डेट है 7 जुलाई तक, हो सकता है 8 को बिक जाए, 7 जुलाई तक 2 प्लॉट बाकी है इसमें। तो अगर इसमें जो प्लान कर रखा है या प्लान कर लिया जिन्होंने प्लॉट ले लिया, तो वो दुखी नहीं हो, आज हो सकता है रेट कम हो उसके मुकाबले, क्योंकि वहाँ पे रिंग रोड स्टार्ट हो गया, तो वहाँ पे सीधी बात है वहाँ पे घर भी बन गए, रिंग रोड स्टार्ट हो गया वहाँ पे डबल फायदा है। लेकिन जब ये रोड निकल जाएगा और ये इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो जाएगा, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि इसकी रेट और उसकी रेट में ज़मीन आसमान का फर्क रहेगा। तो यहाँ पे जिन्होंने भी प्लॉट लिया है वो हताश नहीं हो, और आपके कहने पे मैंने ये बी ब्लॉक पूरा दिखा दिया। अब आप कमेंट करें कि अब मैं कौन सा वीडियो या किस तरह का वीडियो आपके सामने लेके आऊँ। धन्यवाद।